दोस्तों, भगवान के अनेक नाम हैं। कुछ लोग उन्हें राम कहते हैं, कुछ अल्लाह, कुछ जीसस क्राइस्ट, तो कोई वाहे गुरु। लेकिन हम सबका उद्देश्य एक ही है, वो है ईश्वर की प्राप्ति। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान को प्राप्त करने के लिए समाज छोड़कर, घर बार छोड़कर संन्यास लेना पड़ता है। तो क्या जो लोग समाज में रहकर पूजा पाठ करते हैं उनको भगवान की प्राप्ति नहीं होती? आइए, जीवानंद के आज के इस एपिसोड में हम इसी विषय पर चर्चा करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है व्यवहार में अध्यात्म, और मैं एक बार फिर से स्वागत करती हूँ वर्ल्ड रेनाउंड वैदिक साइंटिस्ट डॉक्टर सत्यनारायण दास का। वैदिक साइंटिस्ट डॉक्टर सत्यनारायण दास, हरियाणा के एक गांव के किसान परिवार में जन्मे सत्यनारायण दास ने IIT दिल्ली से सॉफ्टवेयर इंजीनियर की डिग्री हासिल की है। अमेरिका में नौकरी करते हुए आपने ये महसूस किया कि वहाँ लोग धनी होते हुए भी दुखी हैं, उनकी जिंदगी में एक अधूरापन है। दूसरी तरफ आपने भारतीय वैदिक कल्चर की संपूर्णता को देखा, साथ ही भारतीयों को इस संस्कृति को भूलते हुए भी महसूस किया। तब भारत आने के बाद आपने संस्कृत में PhD की एवं गुरु शिष्य परंपरा से वैदिक फिलॉसफी का अध्ययन किया और कई पुस्तकों का लेखन, संपादन एवं अनुवाद भी किया। अब आपकी जिंदगी का यही एक उद्देश्य बन गया कि जीवन से जुड़ी लोगों की उलझने और सवाल जो जवाब के लिए तरस रहे हैं, उन्हें वैदिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सुलझाया जाए और घर घर में आनंद पहुंचाया जाए। तो आइए दर्शकों, स्वागत करते हैं डॉक्टर सत्यनारायण दास का। डॉक्टर साहब नमस्कार, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे जीवानंद प्रोग्राम में। नमस्कार डॉक्टर साहब, आज का जो विषय है वो बहुत गंभीर है, जिसका नाम है व्यवहार में अध्यात्म। तो डॉक्टर साहब, ऐसा अक्सर सुना जाता है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो जरूर पड़ता है, तो क्या ये बात स्पिरिचुअलिटी में भी लागू करती है कि अगर हमें वाकई में आनंद प्राप्त करना है, भगवान को प्राप्त करना है, तो हमें ये मोह माया और ये समाज सब छोड़ना पड़ेगा? देखिए, छोड़कर तो आप कहीं जा नहीं सकते हैं, क्योंकि आप इस संसार में रहते हैं, तो मानो आपने अपना समाज छोड़ दिया तो छोड़कर कहाँ जाएंगे? आपको रहना तो पृथ्वी पर ही पड़ेगा या आप चांद पर चले जाएंगे। तो छोड़ना जो है वो फिजिकली छोड़ना नहीं है, छोड़ने का मतलब होता है किसी वस्तु में आसक्ति ना रखना। तो अध्यात्म और व्यवहार, या आध्यात्म या भौतिकता, इसमें अंतर इतना ही है कि आपकी आसक्ति कहाँ पर है। अच्छा, तो डॉक्टर साहब, पुराने ज़माने में जो बात करते हैं हम अपने वेदों पुराणों में ऋषि मुनियों के बारे में, वो पहाड़ पे जाते थे, तपस्या करते थे और तब उन्हें भगवान प्रकट होते थे और उन्हें वर मांगने के लिए कहते थे, तो ये क्या चीज़ है मतलब? नहीं, वो भी है, ऐसा नहीं है कि उसकी मनाही है। मैंने कहा कि ठीक है, आप पहाड़ पर चले जाइए, तपस्या कीजिए, लेकिन भोजन तो आपको करना पड़ेगा ना। और जो आपने ऋषि मुनि की बात की, प्राय करके सभी लोग गृहस्थ थे। अच्छा। चाहे आप वेद व्यास जी को लें या परशुराम को लें या वशिष्ठ को लें या अत्रि ऋषि को लें, जिसको भी लें, सब ग्रस्थ हैं वो। लेकिन ऐसा नहीं है कि संन्यास नहीं था, संन्यास भी है, लेकिन आम आदमी तो संन्यासी नहीं बन सकता। सभी लोग संन्यास ले लेंगे तो संसार समाप्त हो जाएगा, खाना कहाँ से आएगा? तो इसलिए देखना इसी बात को है कि आपकी भावना किस जगह पर है। और हमारी जो भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण ने बोली है, उसमें इस बात पर उन्होंने बहुत बल दिया है। उनका कहना ही है, तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते, कि एक कर्मयोग है और एक कर्म का संन्यास है। ये प्रश्न पूछा था अर्जुन ने, तो दोनों में श्रेष्ठ कौन है? अच्छा, तो उन्होंने स्पष्ट उत्तर दिया है कि कर्म संन्यास से कर्म योग जो है वो अच्छा है, बेहतर है। विशिष्यते का मतलब वो श्रेष्ठ है। और पद्धति भी उन्होंने बताई है कि आप समाज में रहते हुए किस प्रकार से ईश्वर प्राप्ति कर सकते हैं। अच्छा, तो उन्होंने कहा है 18वें अध्याय में, स्वे स्वे कर्मणि अभिरत है संसिद्धिम लभते नर, अपने अपने कर्म को करते हुए स्वे स्वे कर्मणि अभिरत है संसिद्धिम, आप किस प्रकार से परफेक्शन को प्राप्त कर सकते हैं। और परफेक्शन यहाँ पर भगवान से मतलब है परफेक्शन? हाँ जी, परफेक्शन उसी से है। यत प्रवृत्तिर भूतानाम येन सर्वम इदम ततम, कि जिस भगवान ने इस संसार को बनाया है, जिससे इस संसार की प्रवृत्ति हुई है, और जो भगवान इस पूरे संसार में फैला हुआ है, उनको प्राप्त करने का क्या तरीका है उन्होंने बताया है। तो स्वकर्म निरत है सिद्धिम यथा विंदति तश्णु, कि अपने कर्म करते हुए आप किस प्रकार से भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, ये मेरे से सुनिए, अर्जुन को उन्होंने बताया। अच्छा, तो सीधा उन्होंने बोलना है कि स्वकर्मणा तम अभ्यर्च
सिद्धिम विन्दते मानव, कि अपने कर्म से आप उनकी पूजा कीजिए। अच्छा, तो मतलब आप ऑफिस में काम करते हैं या फिर आप घर में भी काम करते हैं, आप भगवान के बारे में स्मरण करते रहिए और उस काम को भी आप भगवान के समर्पित होकर कीजिए। अच्छा, यद करोसी यद अश्नासी यद जुहोसी ददासी यत यद तपस्यसी कौनतः तत्कुरुष्व मदर्पणम। तो उन्होंने कहा कि आप भोजन करते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि आप संन्यास ले लेंगे, जंगल में चले जाएंगे तो भोजन नहीं करेंगे जी। चाहे आप समाज में रहें या समाज से बाहर यानी कि संन्यास लेकर रहें तो भोजन तो आपको करना पड़ेगा ना। तो उन्होंने कहा यद अश्नासी, जो भी आप खाते हैं तो मेरे अर्पण करो उसको। यद अश्नासी यद जुहोसी, आप कोई यज्ञ करते हैं, कोई पवित्र कार्य करते हैं, यज्ञ का मतलब कोई भी पवित्र कार्य करते हैं, कोई परोपकार का कार्य करते हैं, तो उसको भी आप भगवान के समर्पित कीजिए। समर्पित करने की दो पद्धति हैं, एक तो आप कर्म को समर्पित करें और एक उसके फल को समर्पित करें। या तो कर्म को ही इस भावना से करें, आपको करना कुछ विशेष नहीं है, केवल अपना भाव बदलना है कि ये कार्य मैं भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ। मतलब ये जो थॉट आपने बताया है, भावना, ये कॉन्स्टेंटली हमें सोचते जाना है। हाँ जी, ये हमेशा ऐसे सोचना है। जैसे आप कोई बिजनेस करते हैं तो आप इस दृष्टि से करते हैं कि ये बिजनेस से मैं पैसा कमाऊंगा जी। और पैसा आपके अपने लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बंधुजनों के लिए। तो ऐसा ना सोच के आप बिजनेस कीजिए और सोचिए कि मैं इस बिजनेस से जो पैसा है वो भगवान के लिए है, भगवान की सेवा में उसको लगाऊंगा और ये भगवान का ही कार्य है। तो आपकी जब ये भावना रहेगी तो आप उस कर्म से भगवान की पूजा कर रहे हैं जी। और धीरे धीरे हमारे अंदर ये जो अहंकार की भावना है फिर ये भी नहीं रहेगी अगर हम ऐसा धीरे धीरे क्या है, वो रहेगी नहीं जी। अगर आपके अंदर ये भाव आ गया जी तो फिर अहंकार की भावना नहीं रहेगी। आप हर वस्तु में आप भगवान का हाथ देखेंगे, आप उनकी उपस्थिति को अनुभव करेंगे हर क्रिया में, हर वस्तु में, हर परिस्थिति में। और मेरे को एक छोटी सी कहानी भी इस विषय पर आई कि व्यास जी जिन्होंने वेदों को लिखा और पुराणों की रचना की, उनके पुत्र का नाम सुखदेव था। अच्छा। और सुखदेव जी जो है वो जन्म से ही विरक्त थे, यानी कि सन्यासी थे, उन्होंने शादी नहीं की और घर से भी छोड़कर चले गए थे बचपन से ही। हाँ जी। लेकिन बाद में आके उन्होंने अपने पिताजी से अध्ययन किया और एक बार उनके पिताजी ने उनको कहा कि आप अब जनक जी के पास जाइए और उनसे अध्ययन कीजिए। तो वो जनक जी के राज्य में गए लेकिन उनके मन में शंका थी कि मैं तो एक विरक्त आदमी हूँ और ये गृहस्थ हैं, तो प्राय करके विरक्त का दर्जा ऊपर माना जाता है गृहस्थ से, और गृहस्थ लोग जो है विरक्तों का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। तो उसने सोचा कि ये मेरे को क्या सिखाएगा। लेकिन पिताजी का आदेश था तो माना उन्होंने। और जब वो जनक जी के पास गए तो जनक जी भी इस बात को समझ गए कि इनके मन में एक शंका आ गई है मेरे प्रति। तो इसलिए जनक जी ने उनकी इस शंका का निवारण करने के लिए एक युक्ति सोची। उन्होंने उनका जब आदर किया अपने महल में तो उनको कहा कि आप मेरा शिष्यत्व ग्रहण कर यहाँ आए हैं, मेरे से अध्ययन करना चाहते हैं, तो पहले मैं आपको अपने महल के बारे में बताना चाहता हूँ, एक परिचय देना चाहता हूँ। जैसे आप किसी के मकान में जाएं और वो आपको बड़ा मकान है उसको दिखाना चाहे कि ये हमारा ड्राइंग रूम है, ये हमारी किचन है, ये हमारा रेस्टिंग रूम है। तो उन्होंने कहा कि आप जो है एक दिया ले जाइए, उन दिनों बिजली तो नहीं होती थी, और इसको लेकर आप प्रत्येक रूम को देखिए। और घी का दीप था वो, लेकिन एक ध्यान रखना कि दिया बुझ ना जाए। तो उनको थोड़ा घी भी दे दिया साथ में कि अगर इसमें कम पड़ता जाए तो इसमें डालते रहना जी। तो सुखदेव जी जो है पूरे महल में घूमे उस दीप को लेकर, और उन दीप छोटा ही था तो उसमें ज़्यादा घी आता नहीं था तो जल्दी जल जाता था, तो उसमें बार बार वो डालते रहते थे। तो इस प्रकार उनका ध्यान उसी पर लगा रहा। और काफ़ी समय बाद जब वो वापस लौटे तो उन्होंने उनसे पूछा कि आपने क्या क्या देखा, तो वो कुछ ज़्यादा नहीं बता सके क्योंकि उनका ध्यान दीप पर ही था। क्योंकि ध्यान तो उनका दीप के ऊपर था कि ये बुझ ना जाए, ये शर्त उन्होंने रख दी थी उनके ऊपर। तो कौन से कमरे में क्या वस्तु देखी इस पर ध्यान उनका गया नहीं। तो फिर उन्होंने बताया कि देखिए ये उदाहरण मैंने आपको दिया है, बात ये नहीं है कि मैं राजा हूँ और आप विरक्त हैं, लेकिन मेरा भाव, मेरा ध्यान, मेरी आसक्ति कहाँ पर है। मैं ये राज चलाते हुए भी मैं इसमें आसक्त नहीं हूँ जी। और इसी का नाम है
व्यवहार करते हुए भी आप कैसे आध्यात्मिक बने रहते हैं। जी डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी कहानी सुनाई है कि हम व्यवहार में ही कैसे अध्यात्म को मिला सकते हैं। तो अभी हम और इस बारे में बात करेंगे, लेकिन हम लेते हैं अपने आज के पत्र। हमें बहुत सारे पत्र आ रहे हैं अलग अलग जगह से लोगों के। सबसे पहले मैं लेती हूँ ये ईमेल जो कि नीरा की है मुंबई से। ये कहती है कि आजकल आध्यात्मिकता के कई नए नए अर्थ और परिभाषाएं हैं। मनोवैज्ञानिक के पास जाना और अरोमा थेरेपी या हीलिंग मसाज लेना भी आध्यात्मिकता से जोड़ा जाता है। क्या ये लोग जो ये कार्य करते हैं, क्या ये आध्यात्मिक कार्य हैं? देखिए नीरा जी, ये शब्द का एक अर्थ होता है और वो दूसरी बात है कि लोग एक शब्द को किसी दूसरे अर्थ में प्रयोग करने लग जाएं। तो ये जो आध्यात्मिकता या अध्यात्म शब्द है, इसका मूल अर्थ है आत्मा से संबंधित। और आत्मा का मतलब जो हमारा सोल जिसको हम बोलते हैं, और आत्मा का अर्थ परमात्मा यानी भगवान भी होता है, क्योंकि आत्मा जो है दो हैं, इसमें आत और मा, आतत्वात् मातृत्वात् आत्मा ही परमो हरि। के आत का मतलब होता है जो स्प्रेड है हर जगह, और भगवान सब जगह हैं, और मातृत्वात माने जो सोर्स है, और भगवान इस संसार के स्रोत हैं, उन्हीं से संसार प्रकट हुआ है। तो आत्मा का अर्थ, मूल अर्थ जो है वो भगवान है, और दूसरा अर्थ इसका हमारी जो आत्मा हमारे शरीर में है, जो एक चित्तकण है। तो जो इनसे संबंधित कार्य है, इनको जानना या इनके बारे में ज्ञान प्राप्त करना, उसको बोलते हैं आध्यात्मिकता। तो मेरे विचार से जो एरोमा थेरेपी है या साइकोथेरेपिस्ट के पास जाना, इसमें आध्यात्मिकता का कोई संबंध नहीं है। हालांकि वेस्ट में भी, साइकोलॉजी में कितनी ही बार ये जो स्पिरिट शब्द है या स्पिरिचुअल शब्द है, ये मन के लिए प्रयोग किया जाता है, और हो सकता है कि आप में भी वहीं से इसका असर आया हो, या भारत में भी लोग अब उस अर्थ को मानने लगे हों, लेकिन आध्यात्मिकता का इन सब से कोई संबंध नहीं। जी डॉक्टर साहब, तो एक मतलब ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि आजकल स्पिरिचुअलिटी को भी बहुत मिसअंडरस्टैंड किया जाता है या गलत तरीके से प्रचार किया जाता है। तो एक बात तो आपने हमें बताई कि हम जो भी कार्य करें उसमें भगवान का ध्यान रखे करें, और हम कैसे आध्यात्मिक हो सकते हैं? आध्यात्मिक होने का यही मूल मंत्र है, ये कोई ज़्यादा कठिन काम नहीं है, क्योंकि आध्यात्मिकता जैसे मैंने बताया, इसका संबंध है आत्मा स्पिरिट कॉन्शियसनेस से। तो आपको अपनी कॉन्शियसनेस बदलनी है। आप बाहर की क्रियाओं को बदल लें या बाहर की ड्रेस बदल लें, जैसे लोग आध्यात्मिक मार्ग पर जाते हैं तो अपनी ड्रेस बदल लेते हैं, उनकी वेशभूषा अलग प्रकार की होती है जी। या अपना भोजन बदल लें या रहन सहन की शैली बदल लें, तो इससे आध्यात्मिकता नहीं आती है। वो आध्यात्मिकता में सहायक हो सकती है, जैसे एक डॉक्टर होता है, वो हॉस्पिटल में जाता है तो एक ओवरकोट पहन लेता है जी। तो उससे लोगों को उसकी आइडेंटिफिकेशन हो जाती, पता चलती है कि डॉक्टर है, नहीं तो यही पता नहीं चलेगा कि मरीज कौन है और डॉक्टर कौन है। तो वो दैट इज़ एज ए फैसिलिटी, वो सहूलियत है एक, लेकिन उसका डॉक्टर बनने से कोई मतलब नहीं है। डॉक्टर तो उसका अपना अंदर जो ज्ञान है और वो जो जानता है अपने कार्य को करना, वो उसका असली कृत्य है। तो इसी प्रकार आध्यात्मिकता का असली संबंध जो है वो हमारी कॉन्शियसनेस से है, हमारी आत्मा से यहाँ पर। हाँ जी, आत्मा की जो कैरेक्टरिस्टिक है कॉन्शियसनेस, चेतना, क्योंकि दो वस्तु हैं हमारे शरीर में, एक आत्मा है वो चेतन है, कॉन्शियस है, और एक ये शरीर है, ये अचेतन है। इस संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं वो इन दो के मेल से बनी हुई हैं। यावत जन संजायते किंचित सत्वम स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगा तद विद्धि भर्तर्षभ। जो कुछ भी आप देखते हैं, स्थावर और जंगम, मोबाइल और इमोबाइल, चर और अचर, वो इन दो पदार्थों के सम्मेलन से बनी हुई है। एक चेतन पदार्थ है जिसको हम आत्मा बोलते हैं और चित्तकण बोलते हैं, और दूसरा जो है वो प्रकृति का अंग है, भौतिक पदार्थ है। तो इसमें जो चेतनता है वो आत्मा का गुण है। तो उस चेतनता को पहचानना और उस चेतनता को भौतिक स्तर पर ना ले जाना, ये आध्यात्मता का कार्य है। तो आध्यात्मिकता इसी को बोलते हैं। तो ये तो हमारे, ये एक तरह से हो गए बेसिक प्रिंसिपल्स जो कि आध्यात्मिकता के हैं। तो अभी डॉक्टर साहब मैं लेती हूँ अपना एक और पत्र। ये पत्र है त्रिपाठी जी का बैंगलोर से। ये कहते हैं, यदि हम पर परिवार की जिम्मेदारियाँ हैं तो हम आध्यात्मिकता को कैसे फॉलो करें? मेरे पास मंत्रोच्चारण करने का समय नहीं है। मेरी पत्नी कभी कभी पूजा करती है पर उसे भी सुबह दफ्तर जाना होता है।
क्या हम उम्मीद रखें कि हम आध्यात्मिक जीवन जी सकते हैं या फिर हमें रिटायर होने का इंतज़ार करना पड़ेगा? नहीं, आपको रिटायर होने का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। आप अभी भी अपना आध्यात्मिक मार्ग आरंभ कर सकते हैं और करना भी चाहिए, और इसकी कोई आवश्यकता नहीं है कि आपको पूजा पाठ ही करनी है। जो मुख्य बात है वो आपकी भाव की, चेतनता की, कॉन्शसनेस की है। आपको पहले ये निश्चय करना है कि आप इस मार्ग पर चलना चाहते हैं, और जब आपकी इस मार्ग में रुचि होगी तो आप समय भी निकालेंगे, क्योंकि समय हम अपनी रुचि के अनुसार निकालते हैं। जब हमारी रुचि होती है कि हम टेलीविज़न देखें या फिल्म देखें या कोई मैगजीन पढ़ें तो हम उसमें घंटों बिता देते हैं। उसी प्रकार जब आपकी रुचि होगी कि आप आध्यात्मिक मार्ग पर चलें तो आप उससे संबंधित साहित्य को पढ़ेंगे, उससे संबंधित लोगों से मिलेंगे। बातचीत आप सभी करते हैं, संग आप सभी करते हैं, तो आप आध्यात्मिक लोगों से संग कीजिए। आप भी कुछ पढ़ते होंगे तो आध्यात्मिक ग्रंथ पढ़िए, आप भी टेलीविज़न देखते होंगे तो आध्यात्मिक प्रोग्राम देखिए। तो इसी से आपकी आध्यात्मिकता में संवर्धन होगा और आध्यात्म मार्ग के बारे में आपको ज्ञान प्राप्त होगा, और ज्ञान जब होगा तो उसी के अनुसार फिर आप क्रिया करने लगेंगे। तो आपको इंतज़ार नहीं करना है कि जब मेरी नौकरी से रिटायरमेंट होगी उसी के बाद जो है मैं इस मार्ग पर चल सकता हूँ। जी डॉक्टर साहब, तो ठीक है त्रिपाठी जी, आई एम श्योर आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा, लेकिन अगर आप इस बात को और गहराई से समझना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 0129-4088-152 पर। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि आजकल के वर्ल्ड में अगर कोई इंसान इस आध्यात्मिक के मार्ग पे चलता है, स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पे चलता है, तो बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस हैं उसके लिए, तो कैसे वो डिस्ट्रैक्ट ना हो, कैसे वो नियंत्रण रखे अपने आप पर? उसके नियंत्रण के लिए जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है वो है कि आप ऐसे लोगों से मिलिए जो इस मार्ग में इच्छुक हैं, लाइक माइंडेड जो लोग हैं, क्योंकि उससे आपस में हमारी समस्याओं का समाधान निकलता है। हमने भी ऐसा प्रोग्राम चलाया है, मैंने पहले भी उसकी चर्चा की थी, जो पर्सनलाइज्ड जीवानंद के नाम से है। हर रविवार को मैं स्वयं ये प्रोग्राम देता हूँ। अच्छा। और उसमें इन्हीं विषयों पर चर्चा होती है और हम कुछ क्रियाएं करते हैं अध्यात्म संबंधी, उस पर चर्चा करते हैं, लोगों की समस्याओं का समाधान भी निकालते हैं। भारत का ये एक वैशिष्ट है, ये एक आध्यात्मिक देश रहा है पहले से ही, और अभी भी यहाँ आध्यात्मिक लोगों की कमी नहीं है। जी हाँ डॉक्टर साहब, इस तरह के प्रोग्राम्स तो बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं, बहुत ही अच्छे हैं, क्योंकि ये लोगों को डिसिप्लिन बना देते हैं। तो डॉक्टर साहब, हमारी घड़ी की सुइयां संकेत दे चुकी हैं और हम आपसे प्रार्थना करेंगे, निवेदन करेंगे कि आप जाने से पहले हमारे दर्शकों को कुछ टिप दे के जाइए। तो मैं एक छोटी सी टिप देता हूँ और वो है सत्संग, सेवा, स्मरण। आप हमेशा सत्संग करें और जब भी आपको मौका मिले तो आप सेवा करें, और हमेशा स्मरण रखें अपने आध्यात्मिक उद्देश्य को। जी डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी तरह कंक्लूड किया, बहुत अच्छी तरह समझाया हमारे दर्शकों को, क्योंकि लोग बाग इस स्पिरिचुअलिटी में इतना कंफ्यूज रहते हैं कि उनको पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा भगवान को प्राप्त करने के लिए। आप हमारे शो में आए डॉक्टर साहब, इसका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। धन्यवाद। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़।